Hello guys, welcome back to our channel. The Drama Couple. I'm Drashti. I'm Manav. और आज हम जा रहे हैं Nelson Bay. So let's get started. तो Nelson Bay की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि Nelson Bay हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है. तो वहाँ तक जाने के लिए हमारी 2.5 hours की ड्राइव है मिनिमम. और अगर बीच में थोड़ा स्टे लेते हैं, पेट्रोल भी भरवाना है गाड़ी में, तो अप्रोक्सीमेटली 3 hours हो जाएगा. तो मिलते हैं आपको वहाँ पे. तो वहाँ पे पहुँचने से पहले हमें थोड़ा नाश्ता भी करना है और रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपको वो भी दिखाएंगे बीच बीच में. और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमारे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन बनता है. लाइन में खड़ा है, अपनी बारी का वेट कर रहा है, पर लेना कुछ नहीं है. गाइस अभी हम रुके हैं बीच में थोड़ा लंच करने, क्योंकि हम वैसे भी थोड़ा लेट चल रहे हैं. तो यहाँ से सीधे हम पहुँचेंगे हमारे डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे हमें एक अट्रैक्शन कवर करना है. तो हम आज वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं Nelson Bay में. तो वहाँ तक अभी पहुँचने के लिए और 75 किलोमीटर्स बाकी है, तो उससे पहले अभी लंच करेंगे और फिर आगे जाएंगे. तो अभी हम जो वाटर एक्टिविटी करने वाला है वो क्रूज़ पे होने वाली है. एक छोटी सी क्रूज़ होगी और उसकी बोर्डिंग एग्जैक्टली 1:15 को स्टार्ट होने वाली है, जो स्टार्ट होगी 55 मिनट्स के बाद. और हमको अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए और 50 मिनट्स लगेंगे. तो अभी फटाफट लंच करना है और फिर वहाँ पे दौड़ना है वापस. तो हम काफ़ी लेट रन कर रहे हैं अभी. अगर अभी निकलते हैं तो हम एग्जैक्ट बोर्डिंग के टाइम पहुंचने वाले हैं, तो होपफुली क्रूज चला ना जाए. तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे और टाइम हुआ है 1:17. हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हुआ था 1:15 पे, तो 2 ही मिनट लेट है. पर हमारे पास और
हमारे पास 13 मिनट और पड़े हैं। अभी करते हैं बोर्डिंग क्रूज पे और आपको दिखाते हैं यहाँ का आसपास का नज़ारा। अपनी वॉक पे बस पहुंचने वाला है, आपको दिखाते हैं हम कौन से क्रूज पे जाने वाले पहले और फिर आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। ये है हमारी क्रूज, पहली वाली हमारी है जहाँ पे आपको ब्लू कलर की स्लाइड दिख रही है। आज हम इस पे जाएंगे और डॉल्फिन का नज़ारा लेंगे और भी कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो भी करेंगे। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की मैंडेटरी सनस्क्रीन लग रही है, थोड़ी बालों में भी जा रही है। बाल काले ना हो जाए, बाल सफेद ना हो जाए, बाल को टेंशन ना हो, बाल को कैंसर ना हो। कौन सा हेयर कैंसर? यस। तो दृष्टि कैसा लग रहा है पहले क्रूज पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहला क्रूज है क्या? क्रिसमस पार्टी में तो अच्छा। हाँ, सेकेंड वन। और फिर वो सिटी के जो क्रूज होते हैं वो जिसमें हम मैनली गए थे, वो अलग है ना, वो फेरीज है ना। हाँ वो फेरीज है, एक ही फेरीज है। सही है, उसको क्रूज बोल रहे हैं, वाइट कलर की है ना। ये बंदी के मजे है, मतलब मुंह देखो, बस मुंह देखने लायक है। देखा आपने इसका एक्सप्रेशन? सॉन्ग नहीं बज रहे? अच्छा, एक क्रूज में डांस नहीं, डांस के सिवा और 3 एक्टिविटी है। पर इसको अभी तैरना नहीं आता, वो क्या करे, डांस करेगा। अच्छा तो बजाओ सॉन्ग। कोई नहीं, हम बजाएंगे थोड़ी देर बाद। तब तक खाना खाओ। नहीं आज हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करने वाले हैं? आज हम डॉल्फिन वॉच करने वाले हैं, नेट करेंगे। बूम नेट क्या होता है? बूम नेट में बेसिकली पानी के अंदर वो लोग नेट लगाते हैं और उसके अंदर फिर हम लोग जा सकते हैं, जिसको तैरना नहीं आता वो उसको जा सकते हैं। फिर और स्लाइड है, वाटर स्लाइड जो है, जिसको स्विम करना आता है वही कर सकता है। और ये मैडम तो बैठी है बीच में, ये मेरी बहन है। तो
इतना ही है अच्छा। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे नेल्सन बे में करने लायक, फॉर एग्जांपल वेल वॉचिंग होती है, फिर स्नॉर्कलिंग होती है, स्कूबा डाइविंग होती है, और भी बहुत सारे अट्रैक्शन हैं वहाँ पे भी हम जाएंगे। अगर आपको वो वाले वीडियोस भी देखने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। Now we identify dolphins by their dorsal fin. They're all different and unique in their own way. Kind of like our fingerprint. We have one dolphin, her name is Nikki. She's a little nick at the top of her fin. She's a midwife of midwives. Whenever there is a newborn, she is